हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम अध्याय 32 करेंगे। अध्याय 32 के क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे और ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान सब्जेक्ट है आपका, जो इग्नो बीए का है। इसका कोड है BHD106 या फिर EHD06। ठीक है, ये इसका कोड है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं तो आपकी बुक इस सब्जेक्ट आपका कम्प्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूचना प्रौद्योगिकी पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी आता है तो आपको यही आंसर करना है। चलिए इसका उत्तर कर लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से अभिप्राय कंप्यूटर, संचार, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और अंतर्वस्तु प्रौद्योगिकी के समन्वित रूप से है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध किससे है? कंप्यूटर से है, सूचना और संचार से है, इलेक्ट्रॉनिक ही से है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी उपकरण होते हैं जिनका इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, जिन जिन में वो, ठीक है, अंतर्वस्तु है और प्रौद्योगिकी के सामान्य से इसका संबंध है। इसके व्यापक क्षेत्र में सूचना उत्पादन, विश्लेषण, भंडारण, संचरण आदि कई कार्य होते हैं। ठीक है, व्यापक रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है सूचना उत्पादन के लिए, विश्लेषण के लिए, भंडारण के लिए और संचरण आदि के लिए यूज इसका किया जाता है। इसमें सूक्ष्म संसाधन, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, जो छोटे संसाधन इसके हैं वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, डेटा भंडारण, ठीक है, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, युक्त डाटा स्टोरेज डिवाइसेस, यहाँ आप लिखा हुआ है डाटा स्टोरेज डिवाइसेस और डाटा संचरण तत्वों, डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इन सारी चीजों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है सूचना प्रौद्योगिकी में। मानव सभ्यता के विकास में कई महत्वपूर्ण आविष्कार और खोज हुई है। ठीक है, मानव सभ्यता के विकास बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, बहुत सारी खोजें हुई हैं। पहले पहल मानव शरीर के बल पर श्रम करता था। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था कि लोग सिर्फ मेहनत किया करते थे, शारीरिक श्रम किया करते थे क्योंकि और कोई उपाय नहीं था, और कोई साधन नहीं थे। जब गोल पहिए का आविष्कार हुआ तो उसने उस पर बोझा लाद कर अपने शारीरिक श्रम को कुछ कम किया। ठीक है, जब गोल पहिए का आविष्कार हुआ तब मनुष्यों का जो शारीरिक श्रम था वो कुछ कम हो गया उसकी सहायता से। इसके उपरांत भाप, पेट्रोल, डीजल, बिजली आदि के आविष्कार हुए और इनके द्वारा चालित मोटर के पहिए को और गति मिली। ठीक है, इन सभी के आविष्कार से, भाप, पेट्रोल, डीजल और बिजली के आविष्कार से जो मोटर से चलने वाले पहिए थे इन्हें और ज्यादा गति मिल गई। इन आविष्कारों से न केवल मनुष्य के शारीरिक श्रम में कमी आई बल्कि काम तेजी से और व्यवस्थित तथा नियोजित ढंग से होने लगा। ठीक है, काम में भी तेजी आई और काम को व्यवस्थित रूप से और नियोजित ढंग से भी किया जाना संभव हो गया। इसके अतिरिक्त इसमें विषम परिस्थितियों में भी कार्य संपन्न होने लगे। ठीक है, विषम परिस्थितियों मतलब और सिचुएशन में भी काम संभव होने लगे। इन मशीनीकरण से समाज में आर्थिक प्रगति भी हुई जिससे मानव का जीवन स्तर उच्चतर स्थित पर पहुंच गया। ठीक है, मशीनीकरण के कारण मनुष्य के जीवन में आर्थिक उन्नति हुई और जिससे कि मानव का जीवन उच्च स्तर पर पहुंच गया। संचार के माध्यम में हुई वैज्ञानिक प्रगति ने वर्तमान समय को सूचना क्रांति के युग के रूप में परिणित कर दिया है। सूचना जो संचार का क्षेत्र है, संचार के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रगति हो जाने से आज के समय कैसा है, सूचना का समय बन गया है, सूचना क्रांति। इसमें सूचना के क्षेत्र में इसने क्रांति ला दी है, सूचना के युग के रूप में ये परिणित हो गया है, जाना जाने लगा है।
व्यापार अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध सूचनाओं से है। ठीक है, व्यापार और विज्ञान की वह शाखा जिसका कि संबंध किससे है, सूचनाओं से है। संग्रहण, प्रक्रमण तथा संप्रेषण से है। ठीक है, संग्रहण, प्रक्रमण और संप्रेषण से है। सूचना प्रौद्योगिकी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ये सूचना प्रौद्योगिकी कहलाती है। कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट सूचना प्रणालियों का आधार है। ठीक है, सूचना प्रणालियों का आधार क्या क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट जो है वो सूचना प्रणालियों के आधार बन चुके हैं, जिनकी डिजाइन तैयार करने, उन्हें विकसित करने और उनके संचालन या प्रबंधन का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये कार्य किसके द्वारा होता है? सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायी जो है वो कंप्यूटर की डिजाइन तैयार करना, हार्डवेयर तैयार करना, करने का काम किसका है? ये प्रौद्योगिकी व्यवसायियों का इस काम बन जाता है। ये इनका विकास करते हैं और इनका संचालन और प्रबंधन का कार्य भी इनके पास है। सूचना प्रौद्योगिकी ने दैनिक कार्य प्रणाली, रेलवे, विमान, आरक्षण, बैंकिंग, बीमा, टेलीफोन, मौसम संबंधी पूर्वानुमान, रेडियो, खगोल विद्या, आणविक, जीव विज्ञान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा आदि क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। ठीक है, ये जितने भी आज फील्डों के बारे में बात की जा रही है, ये कोई भी कंप्यूटर और इंटरनेट से अछूते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ हर जगह सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो रहा है। तथा अनेक कठिनाइयों से हमें निजात दिलाई है। ठीक है, और इन्होंने हमें बहुत सारी कठिनाइयों से भी निजात दिला दी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सतत विकास से 21वीं शताब्दी के आरंभ में ही सूचना प्रौद्योगिकी एक विशाल शक्ति के रूप में उभर कर आई है। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है वो 21वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में ही ये अपनी विशाल शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई है। इसमें सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, उनका वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है और फिर उनका प्रयोग किया जाता है। इससे संचार व्यवस्था, व्यापार, उत्पादन, सेवाएं, मनोरंजन, शिक्षा, संस्कृति, अनुसंधान, राष्ट्रीय रक्षा, भू मंडलीय सुरक्षा आदि में परिवर्तन आ गया है। साथ ही वाणिज्यिक मांग के कारण इसका विकास प्रक्रिया दिन प्रतिदिन तीव्रता से बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसका वाणिज्य में भी बहुत ज्यादा इसकी मांग हो रही है, इसलिए इसकी विकास प्रक्रिया जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रकार कहना उपयुक्त होगा कि 21वीं शताब्दी में कंप्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के नए आयाम खुल रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम में अगर हम देखें तो मशीनों का युग है। ठीक है, 21वीं शताब्दी किसकी है? टेक्नोलॉजी की, मशीनरी की। ठीक है, तो कंप्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है, चलिए सेकंड क्वेश्चन का देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाषा प्रौद्योगिकी और प्रकृति भाषा संसाधन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अब भाषा प्रौद्योगिकी की आपसे बात की गई है और प्रकृति भाषा संसाधन की। ठीक है, भाषा प्रौद्योगिकी के मूल तत्व अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान और वाक प्रौद्योगिकी, स्पीच टेक्नोलॉजी। वाक प्रौद्योगिकी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पीच टेक्नोलॉजी। किंतु इनमें कृत्रिम बुद्धि का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अर्थ विज्ञान,
गणित, तर्कशास्त्र, दर्शन आदि अन्य क्षेत्र भी सहायता करते हैं, जबकि वे एक दूसरे से अंतर्निहित हैं। प्रकृति भाषा संसाधन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्रकृति भाषा संसाधन किसे कहते हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसका उपक्षेत्र है। ठीक है, ये सभी आपस में एक दूसरे के लिए सहयोगी हैं। ये अलग होते हुए भी, ठीक है, ये अलग हैं, फिर भी एक दूसरे के सहयोगी हैं, जिसमें प्रकृति मानव भाषाओं के स्वचलित जनन और बोधन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन होता है। प्राकृतिक भाषा जनन प्रणाली सूचना को कंप्यूटर डेटाबेस से समान युक्त मुक्त मानव भाषा में परिवर्तित करती है। ठीक है, जो भी प्राकृतिक भाषा है, प्राकृतिक भाषा जनन प्रणाली सूचना को कंप्यूटर डेटाबेस में समान युक्त करके मानव भाषा में परिवर्तित कर देती है। जैसे सिंपल सा अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं, तो कंप्यूटर हम कुछ भी काम करते हैं, वो कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता है। ठीक है, कंप्यूटर पहले अपनी मशीन लैंग्वेज में चीजों को कन्वर्ट करता है, समझता है, फिर हमें आंसर करता है। ये सिंपल सी बात है। और प्रकृति भाषा बोधन प्रणाली मानव भाषा के प्रतिदर्शों पर अधिक औपचारिक प्रतिरूपों में परिवर्तित करती है, जो मनुष्य प्रोग्रामों को काम में लाने में सरल होती है। ठीक है, जो कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए प्रोग्रामों को यूज करने के लिए आसान हो जाती है। वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी की जो विश्व क्रांति आई है, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी की जो विश्व क्रांति आई है, उसमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भाषा प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में उभरी है। ठीक है, जो सूचना प्रौद्योगिकी की जो विश्व भर में क्रांति आई है, उनमें हिंदी और अन्य दूसरी जो भारत की भाषाएं हैं, ठीक है, हिंदी के साथ साथ भारत की जो दूसरी भाषाएं हैं, उन्होंने भी भाषा प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में उभर कर ये भी सामने आई हैं। ये विभिन्न भाषा संसाधनों के विकास में सहायक सिद्ध होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, अलग अलग भाषाओं के विकास में भी एक अच्छा सहायक साधन होगा और बहुत सारी भाषाओं के विकास में भी ये सहायक सिद्ध होगा। भाषा प्रौद्योगिकी का लक्ष्य भाषा सॉफ्टवेयर उत्पादों का सृजन करना है। ठीक है, भाषा प्रौद्योगिकी का लक्ष्य क्या है कि जो सॉफ्टवेयर तैयार किए जाए वो भाषा में हो, ठीक है, जिसमें मानव भाषा का कतिपय ज्ञान होता है। इन उत्पादों की आवश्यकता मानव मशीन अंतरक्रिया में सुधार लाने के लिए होती है। ठीक है, इसलिए जो मानव मशीन है, मानव मशीन की अंतरक्रिया में इसमें सुधार लाने के लिए इस तरह का उत्पादन किए जाते हैं, क्योंकि मानव और मशीन के बीच जो अंतरक्रिया होती है उसमें संप्रेषण का की समस्या मुख्य बाधा प्रस्तुत करती है। ठीक है, क्योंकि जो मानव और मशीन के बीच की जो अंतरक्रिया होती है उसमें संप्रेषण की समस्या जो है वो मुख्य बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए इस तरह के सॉफ्टवेयर का विकास किया जाए जो कि जिसमें कि मनुष्य की और सॉफ्टवेयर के बीच में एक अच्छी अंतरक्रिया हो सके। ठीक है, आज भी क्या है, आज भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे कि आप कुछ भी कंप्यूटर में लिखते हैं, कंप्यूटर अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, अपनी मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आपकी बात को समझता है और फिर आपको उत्तर देने का काम करता है। पर ये प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि ये सब कैसे हुआ है। चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है आपका, सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें और देख लेते हैं जो बचे हुए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान के बारे में आपसे पूछा गया है। अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान सैद्धांतिक पक्ष से भाषिक सिद्धांतों
प्रक्रिया और नियम का कंप्यूटरीकरण अनुप्रयोग है। ठीक है, अभिकल्पनात्मक क्या है ये, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। शब्द अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान, ठीक है, अभिकलनात्मक जो है ये भाषा विज्ञान सैद्धांतिक पक्ष में भाषिक सिद्धांतों, ठीक है, जो लैंग्वेज के सिद्धांत होते हैं, भाषिक सिद्धांतों, प्रक्रिया और नियम का कंप्यूटरीकृत अनुप्रयोग है। ठीक है, इसका कंप्यूटरीकृत जो है उसका अनुप्रयोग है, जबकि प्रायोगिक पक्ष में यह कंप्यूटर के परिचालन में भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों के अनुप्रयोग का काम करता है। ठीक है, ये किसका काम करता है, जबकि प्रायोगिक पक्ष से अगर हम इसे देखें तो प्रायोगिक पक्ष से ये कंप्यूटर के परिचालन में भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों के अनुप्रयोग का काम करता है, इसे भाषा अभियांत्रिकी भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे भाषा अभियांत्रिकी भी कहा जाता है। अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान के साथ साथ कंप्यूटर ज्ञान की प्रक्रिया, प्राकृतिक भाषा संसाधन, विद्युत इंजीनियरिंग और कृत्रिम बुद्धि, वाक अभिज्ञान और मनोविज्ञान का अभिकलनात्मक मनोभाषा विज्ञान भी सम्मिलित होता है। ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान के साथ साथ, ठीक है, अभिकलनात्मक जो भाषा विज्ञान है इसके साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान, ठीक है, कंप्यूटर के ज्ञान की जो प्रकृति भाषा है, भाषा संसाधन, विद्युत इंजीनियरिंग, कृत्रिम बुद्धि, ठीक है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, वॉक और स्पीच जो बातचीत हम करते हैं, वाक अभिज्ञान और मनोविज्ञान, ठीक है, इसके साथ साथ मनोविज्ञान का भी अभिकलनात्मक मनोभाषा विज्ञान भी सम्मिलित है। ठीक है, इसके साथ साथ ये सारी चीजें भी इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। ठीक है, इससे एक व्यापक नेटवर्क तैयार हो जाता है। ठीक है, ये सभी चीजें एक दूसरे की सहायक है, इसलिए मिलकर ये एक बड़ा सा नेटवर्क बना लेती हैं, जिससे भाषाई सिद्धांतों का मशीनी परीक्षण और प्रतिपुष्टि निरंतर होती रहे। ठीक है, जिसे कहते हैं फीडबैक, जैसे फीडबैक मिलता रहे तो इनमें क्या होना चाहिए, भाषाई सिद्धांतों का मशीनी जो है परीक्षण होता रहे और फीडबैक निरंतर ही इसका मिलता रहे। अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान के इसी प्रायोगिक पक्ष को भाषा प्रौद्योगिकी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान की इन्हीं सब प्रयोगिक यही इसी तरह जो सब प्रयोग इसमें हो रहे हैं, प्रायोगिक पक्ष को ही भाषा प्रौद्योगिकी की संज्ञा मिलती है। एक आपको चित्र दिखाया गया है, चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करिए और एक चित्र को आप याद कर लीजिएगा, बाय चांस क्वेश्चन आता है तो फिर आप ये बना दोगे तो अच्छे से क्वेश्चन तो अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको तो आप याद ही कर लीजिएगा, लिख के प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार तो याद हो जाएगा। ठीक है, अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान, ठीक है, चित्र आप बनाएंगे अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान का, जो बीच में आप क्या करेंगे, भाषा प्रौद्योगिकी, ठीक है, भाषा प्रौद्योगिकी को लेंगे, फिर यहाँ पे तीन तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। भाषा प्रौद्योगिकी में सबसे पहले क्या आ जाएगा, इस साइड में प्राकृत भाषा संसाधन आ जाएंगे, ठीक है, प्राकृत भाषा संसाधन आ जाएंगे और वॉक प्रौद्योगिकी आ जाएगी, ठीक है, जिसमें स्पीच आती है, वॉक प्रौद्योगिकी आ जाएगी और कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो कृत्रिम बुद्धि आ जाएगी, वाक प्रौद्योगिकी और कृत्रिम भाषा संसाधन, ठीक है, और क्या आ सकते हैं इसमें, अर्थविज्ञान आता है, ठीक है, अर्थविज्ञान, तर्कशास्त्र, ठीक है, जैसे रीजनिंग बोलते हैं, तर्कशास्त्र और विम संसाधन आ जाते हैं, प्रयोगी या प्रौद्योगिकी, ठीक है, ये सारे चीजों को यूज होता है। ये चित्र है छोटा सा, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आप तो याद हो जाएगा आपको।
चलिए एक और इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। भाषा प्रौद्योगिकी में मानव मशीन अंतर क्रिया पर व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भाषा प्रौद्योगिकी में मानव मशीन अंतर क्रिया पर आपको व्याख्या करनी है। अंतर क्रिया एक शब्द आया था ऊपर, जो ये क्वेश्चन आप अगर आप और सुनोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, मानव मशीन अंतर क्रिया के परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर प्रणाली से उठने वाली भाषाई समस्याओं के समाधान के लिए भाषिक सिद्धांतों और पद्धतियों का उपयोगिता के रूप में काम लिया जाता है। ठीक है, किन किन रूप में काम लिया जाता है? मानव मशीन अंतर क्रिया के परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर प्रणाली, ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली से उठने वाली भाषाई समस्याओं, कंप्यूटर प्रणाली से जो जो भाषाओं की समस्या उत्पन्न होती है, भाषाओं की समस्या के समाधान के लिए भाषिक सिद्धांतों और पद्धतियों को उपभोक्ता के रूप में काम में लिया जाता है। इसमें प्रकृति भाषा संसाधन के लिए भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत, प्रक्रिया और नियमों का अनुप्रयोग होता है। ठीक है, किन किन चीजों का अनुप्रयोग होता है? भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का, ठीक है, प्राकृतिक भाषा संसाधनों का और प्राकृतिक और नियमों का, ठीक है, प्रक्रिया और नियमों का इस्तेमाल होता है। इन सभी का अनुप्रयोग इसमें किया जाता है। मानव भाषा शक्ति के लिए प्रौद्योगिकी के विकास हेतु भाषा विज्ञान के नियमों और प्रक्रिया का अनुप्रयोग होता है। ठीक है, इसमें क्या किस किस चीज का उपयोग होता है? मानव भाषा शक्ति के लिए प्रौद्योगिकी विकास हेतु, प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भाषा विज्ञान के नियमों और इसकी प्रक्रिया का अनुप्रयोग किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह भाषा का वह वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि भाषा का ये वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें विभिन्न प्रकार के भाषाई तत्वों के अवकलनात्मक, ठीक है, अवकलनात्मक को यहाँ देखिए दिया गया है, कंप्यूटेशनल कहते हैं। ठीक है, इसका याद रखिएगा, अवकलनात्मक को क्या बोलते हैं? कंप्यूटेशनल बोलते हैं। मॉडल प्रस्तुत किया जाता है। वस्तुतः अवकलनात्मक भाषा विज्ञान कंप्यूटेशनल प्रकृति भाषा के बोधन और जनन के लिए कंप्यूटर प्रणाली का विकास करता है। इसके अंतर्गत प्रकृति भाषा को संप्रेषण के माध्यम के रूप में देखा जाता है। ठीक है, भाषा को जो है प्रकृति भाषा को संप्रेषण के रूप के माध्यम में भी देखा जाता है। इस दृष्टि से मानव मशीन की अंतरक्रिया होती है। ठीक है, इसीलिए जो मानव मशीन की अंतरक्रिया इसी संभव होती है और मशीन का मानव से, इस अंतरक्रिया का संबंध संप्रेषण से है। ठीक है, मानव और मशीन का जो संबंध है इस अंतरक्रिया के संप्रेषण से है और कम्युनिकेशन भाषा विज्ञान इसका अनुसंधान और विकास करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन भाषा विज्ञान जो है वो इसका अनुसंधान और विकास करता है। मानव मशीन की इस अंतरक्रिया में कंप्यूटर प्रणाली के अनुप्रयोग को साधनों के दो पक्ष हैं। ठीक है, इसके साधनों के दो पक्ष हैं। अंतरक्रिया कंप्यूटर प्रणाली के जो अनुप्रयोग को साधनों के दो पक्ष में बताए गए हैं। पहला है अवकलनात्मक भाषा विज्ञान का सैद्धांतिक पक्ष। ठीक है, पहला पक्ष कौन सा है? अवकलनात्मक भाषा विज्ञान का सैद्धांतिक पक्ष है। इसमें भाषाई विज्ञान के बारे में रूपपरक सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं जिनकी मनुष्य को भाषा के जनन को समझने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, इन सिद्धांतों को समझ के मनुष्य को क्यों जरूरत होती है? ताकि वो भाषा के जनन को समझ सके। इसके अतिरिक्त इसमें भाषाई मॉडलों का परीक्षण होता है। ठीक है, इसमें भाषा के से संबंधित कुछ मॉडल भी होते हैं। इसे भाषा सिद्धांत परीक्षण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं?
भाषा सिद्धांत परीक्षण कहा जाता है। दूसरा, अब ये तो पहले की बात हो गई, दूसरा पक्ष क्या है इसका, अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान का प्रायोगिक पक्ष। दूसरा है अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान का प्रायोगिक पक्ष, ये मानव भाषा प्रयोग के प्रतिरूपण के व्यवहारिक निष्कर्ष पर केंद्रित होता है। ठीक है, ये मनुष्यों के व्यवहारिक निष्कर्ष पर केंद्रित होता है। इसकी पद्धति, तकनीकी उपकरण और अनुप्रयोग प्रायः भाषा अभियांत्रिकी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, भाषा अभियांत्रिक के अंतर्गत ये सब आते हैं। इसी को मानव भाषा प्रौद्योगिकी या भाषा प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, मानव भाषा प्रौद्योगिकी या फिर भाषा प्रौद्योगिकी कहा जाता है। इस प्रकार भाषा विज्ञान में प्रकृति भाषा संसाधनों के विभिन्न संभाव्य अनुप्रयोगों पर ध्यान दिया जाता है और अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान मानव मशीन अंतर क्रिया से संबंधित क्षेत्रों में उठने वाली भाषाई समस्याओं के समाधान के लिए भाषिक सिद्धांत और पद्धतियों का उपयोग उपभोक्ताओं के रूप में करता है। ठीक है, इनसे जो भी समस्या उत्पन्न होती है उन्हीं के लिए उनके इसके भाषिक सिद्धांत और पद्धतियों का उपयोग उपभोक्ता के रूप में किया जाता है। भाषा और मानव और मशीन, ठीक है, मानव और मशीन के बीच के संबंधों की समस्या काफी पुरानी है। ठीक है, मानव और मशीन के बीच की जो समस्या है वो बहुत पुरानी है। इस मशीन की प्रकार्यात्मक क्षमता से हमारी अवधारणा में एक और विस्तार हुआ है। वो विस्तार क्या है कि मशीन क्या क्या कर सकती है। ठीक है, जो मशीनें हैं वो क्या क्या कार्य कर सकती हैं। एक और मस्तिष्क के समानांतर रूप कंप्यूटर के बारे में यह प्रश्न उठता है कि क्या मशीन सोच सकती है। ठीक है, कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो अक्सर ये प्रश्न उठता है क्या मशीनें सोच भी सकती हैं। और कंप्यूटर के समानांतर रूप मस्तिष्क के बारे में यह प्रश्न उठता है कि क्या मानव को मशीन के सदृश माना जा सकता है। ठीक है, वहीं ये भी एक प्रश्न है क्या, या दूसरा ये उठता है क्या मानव को भी मशीन के बराबर हम मान सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर को मानव और मशीन से संबंधित प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, यही इस तरह के प्रश्न जो है वो मानव और मशीन का संबंध प्रारंभ कर रहे हैं, प्रारंभ होता है इनसे। टूरिंग काफी आशावादी थे। ठीक है, जो टूरिंग थे, वैज्ञानिक कोई थे, ये काफी आशावादी थे और यही कारण है कि 50 वर्षों के अंदर उनकी भविष्यवाणी साकार हो उठी। ठीक है, जो टूरिंग थे ये बहुत ही आशावादी थे और इन्होंने भविष्यवाणी की थी। ठीक है, और उनकी भविष्यवाणी 50 वर्षों के अंदर ही ये साकार हो उठी। उन्होंने अपनी अनुकरण किरणा में देखा था। ठीक है, उन्होंने अपने अनुकरण किरणा में देखा था कि टूरिंग की यह भविष्यवाणी वास्तविकता में तब आने लगी जब नोम चाम्स्की ने सन 1957 में परिमित अवस्था व्याकरण की संकल्पना प्रस्तुत की। ऐसा व्याकरण सीमित शब्दावली पर परिचालित पुनरावृत्ति नियमों की परिमिति संख्या के माध्यम से वाक्यों की असीम संख्या का समुच्चय प्रजनित किया जा सकता था। ठीक है, इनका जो कहना था, ऐसा व्याकरण सीमित शब्दावली पर परिचालित पुनरावृत्ति नियमों की परिमिति संख्या के माध्यम से वाक्यों की असीम संख्या का समुच्चय प्रजनित किया जा सकता है। ठीक है, असीम, अब आप देखते हैं कि कंप्यूटर में अगर हम देखें तो कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, आप इसमें किसी भी भाषा का अगर आप यूज करते हैं, हिंदी, इंग्लिश या दूसरी भाषाओं का भी यूज कर इसमें कर सकते हैं, कोई भी भाषा आप इसमें यूज कर सकते हैं, बशर्ते आपको आनी चाहिए और कंप्यूटर में उस भाषा का फॉन्ट होना चाहिए। ठीक है,
उनका मूलभूत दर्शन यह था कि मशीन या युक्त जिसे डिवाइस बोलते हैं की भांति व्याकरण के सीमित नियम अंतरालों में वाक्यों का प्रजनन किया जा सकता है। ठीक है, व्याकरण के सीमित नियमों के अंतराल में भी जो वाक्य है उनको बनाया जा सकता है, उनका प्रजनन किया जा सकता है, ऐसा टूरिंग की भविष्यवाणी थी। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। इसका एक क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर का 32 चैप्टर का छोड़ दिया है, इसका क्वेश्चन थर्ड था। ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत बड़ा था तो मैं इसको किसी दूसरे वीडियो में करा दूंगी, ये वाला मैंने एक छोड़ा है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ ये दूसरे वीडियो में करा दूंगी, और बाकी चैप्टर फिनिश हो गया है। ये आपका क्वेश्चन है थर्ड। ठीक है, भाषा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत विभिन्न कंप्यूटर प्रणाली के प्रयोग के, तो इसमें पूरा कंप्यूटर के बारे में बताया गया है सारे क्वेश्चन में। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो मैं ये काफ़ी बड़ा है, मैं एक सेपरेट वीडियो में इसे करा दूंगी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए अपने।